वहीं राजधानी रायपुर में कन्हैया कुमार के पीएम की तुलना रावण से करने वाले बयान पर सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने अपने बयान में कहा कि ये सब कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को पहले भी बहुत कुछ कहा गया, मौत का सौदागर तो कभी चोर कहते हैं, कभी सर फोड़ने की बात होती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता में कांग्रेस की स्वीकार्यता नहीं है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के ईडी और एनडीए को लेकर दिए हुए बयान पर सीएम साय ने कहा कि जनता सब देख रही है, भाजपा के पक्ष में माहौल है, हम 11 सीट जीत रहे हैं, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी कह रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इमरजेंसी इनकी सरकार में लगी थी और लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। अब देखिए, ये तो जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है, इसको उनके कहने से क्या होता है। आज हम लोग दो विधानसभा गए थे, मरवाही और भरतपुर सोनहत, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में। सब जगह बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और इस समय हम लोग पूरी सीट जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ भी बातें लोगों के सामने में कर रहे हैं। सर, ये उसके अलावा कन्हैया कुमार का भी छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, फिर प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ से, जनरल डायर और रावण से तुलना करते हैं, कह रहे कि जनरल डायर थे उस समय और अब हमारे जनरल डायर। अब ये सब तो कोई नई बात नहीं है, पुराने समय से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं बोलते हैं। मौत का सौदागर उनको कहा गया विपक्ष के द्वारा, चोर कहा गया, तो यहाँ पर उनका सर फोड़ने की बात करते हैं। लेकिन ये सब इस देश की जनता में स्वीकार्यता नहीं है, इसका उल्टा उन्हीं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।